पोलैंड वर्क परमिट वीजा, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेस्टोरेंट जॉब्स, क्लीनिंग जॉब्स, हेल्पर जॉब्स। सैलरी 1 लाख रुपए महीना, रहना खाना फ्री, 3 महीने में वीजा, पैसे सैलरी में से कटवाएं और पता नहीं क्या क्या झूठे सपने दिखाए जाते हैं इन लोगों को। अगर बोले तो इन लोगों को कंसल्टेंट कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बोले वाले इनोसेंट लोगों के सपनों के साथ खेलते हैं। पोलैंड वर्क वीजा के नाम पर बहुत बड़े लेवल पर जो है वो फ्रॉड हो रहा है। बहुत से ठग जो हैं वो मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई और भी बड़ी बड़ी सिटी से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। सो अगर आप भी पोलैंड वर्क परमिट वीजा पे पोलैंड आने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई एजेंट आपको पोलैंड वीजा के नाम पे मिसगाइड कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे पोलैंड वर्क वीजा की रियलिटी। सो क्लियर करेंगे पोलैंड वर्क वीजा के बारे में कंप्लीट पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB में। सबसे पहले बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड एक शेंगेन कंट्री है, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। जो लोग यूरोप या शेंगेन में सेटल होना चाहते हैं तो पोलैंड उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होता है। इसी बात को समझते हुए बहुत से फ्रॉड एजेंट्स ने पोलैंड वीजा को अपना वेपन बना लिया है, अपना हथियार बना लिया है। इनोसेंट लोगों को पोलैंड वर्क परमिट वीजा का प्रोसेस इस तरह से दिखा देते हैं, जिससे इजीली बहुत आसानी से बोले वाले लोग इन एजेंट्स का शिकार बन जाते हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या फिर होटल रेस्टोरेंट में कोटा आया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट कि पोलैंड बाकी एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया हो गया या गल्फ कंट्रीज की तरह हेल्पर या लेबर कैटेगरी के लिए ओपन जॉब कोटा जो है वो इशू नहीं करता है। इसके लिए एप्लीकेंट के नाम से WPR अप्लाई होता है, जो एम्प्लायर मींस के मालिक जो है वो अप्लाई करता है। उसके बाद शुरू होता है WPR इशू होने का प्रोसेस, जिसके लिए एम्प्लायर अप्रोक्स 200 से 300 यूरो तक की फीस पे करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि WPR इशू होने की टाइमलाइन जो है वो फिक्स नहीं होती है, इसमें कई बार टाइम लग जाता है। नेक्स्ट WPR इशू होने के बाद शुरू होता है फाइलिंग प्रोसेस और अपॉइंटमेंट फिक्स करने का प्रोसेस। अगर करंटली टाइम की बात करें तो पोलैंड एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर वेटिंग में अपॉइंटमेंट किसी तरह से फिक्स हो भी गई है, आपका केस BFS में सबमिट हो भी गया है, तो भी वीजा कंफर्म नहीं है। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए लाखों की गिनती में केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं और वीजा सक्सेस रेशो 1% से भी कम है। सो जो एप्लीकेंट्स इन एजेंट्स को WPR इशू होने पर लाखों रुपया पे कर देते हैं या केस सबमिट होने के बाद लार्ज कैपिटल दे देते हैं, चाहे एजेंट बोले कि अगर वीजा नहीं हुआ तो रिफंड हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, तब भी ज्यादा पेमेंट देने की गलती ना करें। अगर आपने ट्राई करना ही है, एक्सपेरिमेंट करना ही है, तो 200 से लेकर 300 यूरो से ज्यादा पेमेंट जो है वो अनस्किल्ड पोलैंड वर्क परमिट वीजा के लिए कभी ना करें स्टार्टिंग में। ये जो एजेंट WPR आने पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख की डिमांड करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि WPR इशू होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा हो गया है। WPR वर्क परमिट और वर्क परमिट वीजा में बहुत फर्क होता है। जो WPR होता है, वर्क परमिट होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी जो आपका केस BFS में सबमिट होता है उसमें एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है WPR, जो कि ठीक है ना, पोलैंड उधर होम ऑफिस की तरफ से इशू होता है। लेकिन WPR इशू होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा हो गया है। पोलैंड में बहुत सी डमी कंपनीज ऐसी हैं जो 200-300 यूरो लेकर आपका WPR जो है वो इशू करवा देती है। सो सही मायने में बात करें तो इस टाइम पोलैंड में अनस्किल्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई आप अगर ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिकॉज अगर रिफ्यूजल आती है, क्योंकि इसकी सक्सेस रेशो बहुत कम है, अगर रिफ्यूजल आती है उसके बाद आपने विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा ठीक है ना, शेंगेन की किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो चला गया है कि आपने इससे पहले जो है WPR के लिए अप्लाई किया था, वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, बट कॉन्सुलेट ने आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज किया है। तो अभी आप टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा या बिजनेस वीजा का बहाना बना के जो है वो आप शेंगेन में एंटर होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम आपका अगर ठीक है ना पेपर आपके सही भी होंगे तो भी उनको थोड़ा सा
देखा जाएगा ध्यान में कि ये सिर्फ एक हमारी कंट्री में एंट्री लेने की, हमारे जोन में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। तो सो थोड़ा सा अवेयर होके चलिए। अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए इस टाइम जो है पोलैंड की सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, तो अगर आपको करना ही है तो या तो फिर आप बिजनेस वीजा के लिए अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, विस्टो वीजा के लिए प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, उसमें टाइम डेफिनेटली लगता है, या फिर कुछ माल्टा जैसी कंट्री है, थोड़ा जो है प्रोसेस लेंथी जरूर होता है शेंगेन का, तो उसमें डायरेक्ट WPR की जो सक्सेस रेशियो, अगर हम लोग पोलैंड के कंपैरिजन में बात करें तो उसकी सक्सेस रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है। तो सो ये जो पोलैंड WPR के नाम पे आप, ठीक है ना, आपसे एजेंट लाखों रुपए मांग लेते हैं और आप अपनी मेहनत का पैसा दे भी देते हैं, उससे थोड़ा सा आप बच के रहिए क्योंकि इसकी सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको, ठीक है ना, काफी हेल्प मिली होगी। और किसी भी जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।